उठो ना भैया, भैया उठो ना, चलो ना भैया, उठो ना। क्या हुआ छोटी? भैया चलो ना, हम लोग भी पटाखे फोड़ेंगे, चलो ना। पटाखे फोड़ने? अच्छा बैठो। भैया क्या हुआ, चलो ना पटाखे फोड़ने। मेरी बात सुनो। देखो छोटी, ये जितने भी पर्व त्योहार है, दीपावली है, ये हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम पटाखे खरीद सकें, समझ रही हो ना? तो क्या हम दीपावली नहीं मना सकेंगे, पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे? भैया भैया, वो जो क्रिसमस में सेंटा क्लॉज आते हैं, वो दीपावली में नहीं आ सकते हमें पटाखे और मिठाइयाँ देने के लिए? नहीं छोटी, ये सब चीजें तो किस्सों और कहानियों में होती है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता, और ये मैं बहुत पहले समझ समझा, ये चीज हमारे लिए बेहतर होगी। भैया भैया देखो पटाखे, भैया देखो पटाखे, भैया भैया ये देखो पटाखे। ये सब तुम्हें किसने दिए? भैया ये देखो कपड़े, भैया ये आपके लिए भी कपड़े हैं। आखिर दिए किसने? भैया बाहर दरवाजे पर था। बाहर दरवाजे पे? तुम सही कहती थी छोटी, दिवाली पे भी सेंटा आते हैं, और हम जैसे गरीब लोगों के लिए भी तोहफे लाते हैं। शायद मैं ही गलत था। हैप्पी दीपावली बेटा, क्या हम लोग भी आप लोग के साथ दिवाली मना सकते हैं? तो क्या हम दीपावली नहीं मना सकेंगे, पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे? नहीं छोटी। भैया भैया, वो जो क्रिसमस में सेंटा क्लॉज आते हैं, वो दीपावली में नहीं आ सकते हमें पटाखे और मिठाइयाँ देने के लिए? नहीं क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ यार, हम लोग हर साल न जाने कितने पैसे पटाखों में खर्च कर देते हैं, लेकिन कभी उन लोगों का ख्याल भी नहीं आता है जिनके घर में दिए नहीं जलते। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम यार, मैं भी बहुत सारा अरेंजमेंट करके रखा हूँ पार्टी का, और काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। शायद मैं भी इस दुनिया में बहुत सेल्फिश हो गया। क्यों ना हम लोग इस बार कुछ अलग तरीके से दीपावली मनाते हैं, लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है।